गर्मियों के मौसम में हमें पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे साथ हमारा जो पानी टुल्लू पंप होता है, जो पानी की मोटर होती है, वो आधा एचपी हो, एक एचपी हो, या फिर कोई भी टैक्समोस, यारे, क्रोमटन, हैवल्स, कोई भी कंपनी की हो सकती है। लेकिन उसमें हमारे साथ एक कंडीशन ये आती है कि हम कहीं बाहर चले जाते हैं या फिर हम उसको 15-20 दिन या फिर महीने दो महीने नहीं चलाते हैं, तो जब हम उसको वापस चलाएंगे तो वो क्या है, जाम हो जाती है। हमने अच्छी वाली छोड़ी थी और हम जब दोबारा उसको चला रहे हैं तो चल नहीं रही है। इस कंडीशन में आप उसको कैसे सही कर सकते हैं मात्र 2 से 3 मिनट में, बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें, ऐसी अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पानी की मोटर है। इसमें आपको क्या करना होता है कि जो इसका हेड है उसके अंदर आप पानी डालें कुछ देर के लिए। अगर आपने अलग हटा के रखी है मोटर, तो इसमें हेड में पानी डालें, और अगर आपकी मोटर नल में लगी हुई है और वहाँ पर पानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका पीछे का जो ढक्कन है वो हटाना है। तो इसको हटाने के बाद पहले तो आप हाथ से इसकी पंखड़ी घुमाकर देखें, अगर हाथ से नहीं घूम रही है तो उसके बाद आप इसकी पंखड़ी निकाल कर और फिर इसमें या तो पाइप रिंच लगाएं, हल्का सा पाइप रिंच लगाएं, या फिर प्लास, पहले तो प्लास से ट्राई करें। प्लास से अगर आप ट्राई करेंगे तो ये आसानी से सही हो जाएगी, और उसके बाद प्लास से अगर नहीं घूमती है, नहीं पकड़ में आती है, प्लास फ्री होता है, तो पाइप रिंच ले लें। पाइप रिंच लेकर एक बार हल्का सा राउंड घुमाना है आपको। एक बार घूमने के बाद आसानी से आपकी ये मोटर घूम जाएगी और चल भी जाएगी। तो इसमें ये कंडीशन ये है कि आप जैसे अगर आपकी मोटर है आपने अलग उठाकर रखी हुई है, तो उसमें आपको पानी जरूर डालना है। पानी से क्या है कि जो हेड के अंदर वो जंग लगकर वो सूख जाता है, जिससे हेड वो के अंदर एम्पलर जो होता है वो बिल्कुल चिपक जाता है, और जंग के कारण वो चिपक जाता है। तो उसमें हम जब पानी डालेंगे तो जंग क्या है कि उसमें थोड़ा आसानी से, मतलब घुमाने में हमको परेशानी नहीं आती, और वो जंग को छोड़ देता है पानी से। तो हम इसमें प्लास से घुमाएंगे तो अभी घूम जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जाम होता है, काफ़ी टाइम जब हो जाता है तो हो सकता है आपको पाइप रिंच यूज करना पड़ जाए। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मैंने आपको बताया और आपने वीडियो में देख भी लिया। हमारे पास ये मोटर थी और हमने वहाँ पर इसको साइड पर जाकर देखा था, लेकिन वहाँ पर ये नहीं घूमी प्लास से भी। लेकिन हम इसको दुकान पर खोल के लाए और हमने इसमें पानी डाला हेड में, और कुछ टाइम के लिए हमने छोड़ दिया, फिर जो हमने प्लास से घुमाया तो इजीली ये घूम गई और ये मोटर हमारी ओके हो गई। तो इस कंडीशन में आप अपनी मोटर को सही कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे इलेक्ट्रिशियन है या फिर कस्टमर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से अपनी मोटर को सही कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका कोई भी सवाल हो किसी भी चीज़ को लेकर, जो घर में हमारे यूज होती है इलेक्ट्रिक आइटम, वो कुछ भी आइटम हो सकता है, प्रेस, कूलर, पंखे, पानी की मोटर, या फिर XYZ वाशिंग मशीन वगैरह, इन्वर्टर वगैरह, कुछ भी, तो उसको लेकर आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। हम उसके लिए आपको कमेंट के थ्रू बताएंगे, या फिर हो सकता है एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उस पर हम वीडियो भी बना देंगे आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।